क्या है के लेके यही सेटल होने का प्लान है क्या? हाँ रे, यही सेटल होने के वास्ते तेरा क्या जा रहा इसमें? सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कौन है तुम? मैं आमिना। कौसी मीना? आमिना आमिना आमिना, मेरी शादी में नहीं दिखी ना? तुम दुल्हन बन के बैठे थे ना? घूंघट उठा सकते थे ना? वो सब छोड़ो, तुम्हारा घूंघट नीचे कहीं को था? दुल्हन थी ना मैं बनके। अच्छा, दस्तरखान पे जाते ही वो कैसा ऊपर उड़ गया? खाना खाने कैसे उड़ गया? तो दबा के खींच रहे थे तुम। तुम कहीं को देख रहे थे सब? देखना पड़ता अब। ये सब जाने, तुम कौन है वो बोलो। फुप्पू, फुप्पू को बुलाओ। हाँ फुप्पू। हाँ। अरे कौन है क्या माँ? तुम्हारे अम्मा के सगे? नहीं, अम्मा के सगे नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार। वालेकुम सलाम आमीना, कैसा आई? के फोन नहीं करी, कुछ भी नहीं, बगैर बोले कैसा आ गई? आ गई, अब याद आ रही थी, बोल के कितने दिन हो गए। अच्छा करी गे अम्मा, आ गई सो तू। कहाँ के रिश्तेदार है? हमारे घर के रिश्तेदार है। कई को तेरे को कुछ तकलीफ? नहीं जी, पूछ रहा हूँ। पूछ रहा? अच्छा करी, इन्हें कहाँ मिला तेरे को? सीढ़ियों में मिला। अच्छा करी, बैग दे दे के ले लेके आई होगी। कितने दिन के वास्ते आए? नो हमेशा के वास्ते। हमेशा के वास्ते? हमेशा के वास्ते ही? हाँ, मेरा सेंटर यही है ना। हाँ, इसका सेंटर यही गिरा। हमारे छोटे भाई की बच्ची है ये अम्माई ने। कितने तो भी भाई आए तुम्हारे को? मेरे को पूरे 11 भाई आए। कितने रिश्तेदार आए? एक जाती नहीं एक आती, एक जाता नहीं एक आता। मेहमानों के सामने ऐसा बोलते कि दीवानी एक जाते का। कौन से मामू की बच्ची है जी? ये छोटे मामू की बच्ची है रे। छोटे मामू की? हाँ, तेरे साथ की छे। वो इतनी सर की शेमड़ी जो थी, इन्हें है वो? हाँ उन्हें। हाँ ये खुद्दूस है। हाँ ये खुद्दूस है। हाय खुद्दूस। क्या हुआ, कैसा खींच ले रही? अब मेहमान बढ़ गए ना, चावल और दाल के पकाती हूँ। हाँ। इन्हें तेरी शादी में आई थी, मगर तू इसको नहीं देखी होगी, छोटी थी ना इन्हें, इसके वास्ते इधर उधर भागते रह रही थी शादी खाने में। जा चावल चढ़ा जा। अब देख लो ना बस। भाभी बोल तो ऐसे कहते, बेटा नाराज नहीं हो ना, दिल पे नहीं ले ना ले। क्या नहीं, यहाँ से अब नाराज होने का नहीं है। हाँ अच्छा कह रही। आ गई ना मैं। हाँ क्या तो भी भेजे तेरे बाबा? नहीं कुछ भी नहीं भेजा। नहीं फकीर जन कभी भी कुछ भी नहीं भेजता, देख गाँव से आए तो खुद। ये रिश्तेदारों से तो बस बस हो गई है, घर से ये रिश्तेदारों से। एक रिश्तेदार जाता नहीं, दूसरा रिश्तेदार आता, दूसरा जाता नहीं, तीसरा आता। बस बस हो जा रही हूँ मैं। ये बोगने में पकाना, फिर दो दो बोगनों में पकाए तभी नहीं बस हो रहा। ऊपर से इनकी बहू अच्छी बोल के आते, बहू इतना घसरे जो किसको भी नहीं दिखता, अंदर घसा घसा के मरते बहू को। सबको मालूम है खाला की बहू अच्छा पकाती बोल के, आके यहाँ खाला के घर में पूरे ठेका लगा के बैठ जाते, आके अड्डा जमा के सुकून से बैठ के खाते। कितना पका तभी नहीं बस होता, चुप सारा दिन पकाना पकाना बस हो जा रहा है घर से। अब 10-15 दिन हमारे अम्मा घर जाके है क्या तो सुकून से, और मालूम होता उन लोगों को भी पकाए तो। क्या है जी पुप्पू, तुम्हारी बहू को कंट्रोल में नहीं रखे जैसा दिख रहा मेरे को। फुप्पू बोले तो पूरे रिश्तेदार डरते है, इन्हें तुम्हारे को डरा रही जैसा दिख रहा मेरे को। चुप कर चुप दीवानी, अब भी आई नहीं करी ने आग लगाने को बैठ गई। मेरी बहू बहुत अच्छी है। अच्छा हाँ, बहुत यकीन है आपकी बहू पे आपको? हाँ यकीन नहीं, पक्का यकीन है। उन्हें उठो बोलते उड़ती, बैठो बोलते बैठती, मालूम तेरे को मेरी हर बात सुनती। क्या है रे दीवाने, इन्हें किधर की आदत? क्या रे खुद्दूस, बुला जा तेरी भाभी को, देखती। बुलाऊं भाभी? नसीमा एक आवाज में आ जाती मेरी। खाना सालन पक गया है बेटा? हाँ मी खाना भी बना दी, सालन भी बना दी। तू जा फ्रेश अप हो जा, तेरे बैग अंदर रख ले जा, भाभी के रूम में रख ले, मेरे रूम में रख ले जा। क्या हुआ कि अम्मा मुंह जला लेके बैठी हुई है? कुछ भी नहीं, मैं हमारे अम्मा के पास 15 दिन के वास्ते जाके आ रही हूँ। परसों जाके ही ना तेरी अम्मा के पास? कौसा परसों, वो हैदराबाद का परसों, 2 साल हो गए तो भी परसों ही बोलते यहाँ पे। 2 साल है तो परसों बोलते है, चाहे झूठी। तो परसों जाके आई तेरी अम्मा के पास, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, घर के काम कौन करते? मैं तो हमारे अम्मा के पास जा रही हूँ। क्या है रे बाबा, इसका पुकारा सुबह उठते शाम होते, कोई रिश्तेदारों को दिखती कि नहीं कि आंख पे शैतान आ जाता है इसकी। पूरा पुकारा अपने घर में चे खाली। हेलो छोटू भाजी, सलाम अलैकुम। कहाँ है तू? बाहर हूँ मैं, जरा मेरे को लेने के वास्ते आ। मैं आ रही हूँ। घर को आ रही तुम? हाँ आ रही हूँ। अरे तुम परसों में जाके गए ना जी, साथ छोड़ दे तुम्हारे तुम्हारे को।
अरे तू क्या है हमारे सास के ऐसा पीछे लग गया? हैदराबाद का पर्सन वो 6 महीने हो गया अम्मा के पास नहीं आके। तुम्हारे साथ भेजते बोले? अरे भेजते बोले रे, तू आना लेने के वास्ते, मैं तेरे को जितना बोल रही हूँ उतना कर। अच्छी बात है, ठीक है बाजी। हाँ ठीक है रख। अरे मैं बोलना चाह रही हूँ। हाँ हेलो छोटू। हाँ बाजी। हाँ वो हमारे सास को फोन करके बोल अम्मी की तबीयत नासास है बोल, आज कल में है बोल, ऐसा बोले तो भिजाते हो ना। ऐसा बोलूं? हाँ अच्छा ठीक है, बोल लेता हूँ। हाँ ठीक है रख। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। खाला हमारे अम्मी की तबीयत बहुत नासाज है जी, डॉक्टर बोल रहा आज नहीं तो कल में कभी भी ऐसा हो जाता बोल के बोल रहा। वो हमारे बहन को भेजो ना जरा, हमारे अम्मी बोल रही हमारे बहन से जरा मुलाकात कर लेते हैं, मिल लेते बोल के बोल रहे खाला। अयो आई ले लेके जा। अच्छा 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 खाला, मैं आके ले लेके जाता हूँ। अल्लाह अच्छी बात है, ले लेके जा। आई खुद्दूस तेरी भाभी है नहीं, उसकी अम्मा की तबीयत बहुत नासाज है कते रे, बहुत सीरियस है कते। आई हाँ। अरे अम्मी मैं कलीज देखा जी उनको, हट्टे कट्टे थे उनो। क्या है कि रे बाबा आजकल मौत किसको बोल के आ रही, बोल के फुटबॉल को आ रहे फुटबॉल को चले जा रहे। जान दे मगर तू पहले जाके देख क्या मालूम। मैं देख के आता हूँ। हाँ जाके मिल के आओ, कितनी दूर उजड़ा बोल को बाजू खींचना। हाँ, दो तीन जाकर मिल को देख क्या, उसके बाद बोल मैं भी आती हूँ उसको ले को आती। या अल्लाह मौत का भरोसा नहीं है, परसों छड़े छाड़ थी औरत आज कल में है कते। अल्लाह क्या कर रही है बेटा? कुछ भी नहीं अम्मी, दूध गर्म करी अभी। हाँ वो तुम्हारा भाई फोन कर रहा था बेटा, तुम्हारी अम्मा की तबीयत सही में सीरियस है कहते कि अम्मा आजकल में है कहते कि अम्मा। तू बोली नहीं मेरे को, बोले तो जब भी भेज देती थी ना मैं। चल तेरे को मैं छोड़ के आती हूँ और मिल लिए जैसा भी होता। अल्लाह किसकी मौत कब लिख के रखा कि कब क्या हो जाता कि नहीं मालूम। देख चल बेटा मैं तेरे को छोड़ के आती हूँ, आ चल रे भाई गाड़ी निकाल जा खुद आ बेटा। या अल्लाह अब क्या करो, मैं झूठ बोली थी। देर कर दिए जैसा दिख रहा हम लोग, फोन करना था सब जनों को। अयो अल्लाह तू बोलते भेजी तो हो ही जाता था। अयो भाभी कौन है? गिने हमारा भाई है। भाई है? जिंदा है मर गया? अरे जिंदा है जी, सो रहा हूँ। सो रहा सुहेल? ए जिंदा है ना जी अम्मी। तुम्हारी अम्मा है शायद, सोची ना इतना जल्दी मर गो बोल गो। कहाँ है तेरी अम्मा, कहाँ है? अम्मी बाहर गए बाजार को, जरा दवा खाने के वास्ते गोलियां ला लेने कर लेना, बाजार को गए। जरा फोन लगा। क्या है ऐसा सोता मुर्दे के जैसा? मैं सही में डर के कितना साइलेंस हो क्या गए, फोन लगा रहे पहला। अम्मा डर गई थी मैं। हेलो सलाम वालेकुम भाभी। आई क्या है जी अम्मा, कितनी हैबत खा के घर को आई, कलेजा धस बोला तुम्हारा बड़ा पोटा, कफन लपट को से दफन वैसा पड़ा हुआ था, हैबत खा गई। कैसी है जी तुम्हारी तबीयत? अच्छी है, कहाँ है तुम? बड़े भाई के घर में। और तुम्हारी बेटी बेटा तो बोल रहे थे तुम आजकल में है बोल को। नहीं रन नहीं चुप, ऐसे मिलने आई थी मैं। अच्छी बात है भाभी, मैं बाद में फोन करती हूँ। नहीं आराम से आओ, कोई टेंशन नहीं, अच्छी बात है। इधर आ रहे, इधर आ रहे गिड्डे, इधर आ, तू भी इधर आ गए। क्या है गे तुम लोगों के पुकारे, क्या क्या है रे तू, क्या बोला मेरे को? अम्मा सीरियस है तुम्हारे। कौसी अम्मा? हट दलिंदा तेरी खबर पाऊं, किसके पास ले जाकर ठहरा करता मेरे को? सही में तुम्हारी अम्मा मर गई समझी ना मैं? कहीं कुछ झूठ बोलेगे तुम लोग? और तू मेरे को फोन करके क्या बोला रे, तुम्हारी अम्मा की तबीयत सीरियस है आजकल में बोल के कहीं कुछ झूठ बोली गे तू भी? आप ही बोलने से बोला, मैं आप ही को बोलो, आप ही बोले। क्या बोल के अम्मा सीरियस बोल के आप ही बोलने लगाई?
आप नहीं भेजाते बोल के बोले अम्मी ऐसा। मैं नहीं भेजती बोल के मेरे को झूठ बोलेगे तुम लगा। अल्लाह अब एक काम कर खुदूस, इसका पूरा सामान लेके आके दे दे इसको इधर। अच्छा। आज से तू तेरी अम्मा के घर में रहेगी, ना आना ना जाना। हा? चल संभाल रहे तेरी बड़ी बहन को, कांगा वो गिड्डा बोला। चल तेरे को देख जाना तू, खत्म पूरा सामान लाके फेंको।